हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुयश है और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल गैजेट मैग्नेट पर। फिर से आज आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जो अपना डेस्क सेटअप मेंटेन करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी प्रोडक्ट है, और वो है 3-in-1 वैक्यूम क्लीनर। ये जो बॉक्स है, बेसिकली आपने बहुत बार देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स को रिव्यू करते हुए, तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। पिछले 3 दिन से ये प्रोडक्ट मैंने परचेज किया हुआ है अमेजोन से। प्राइसिंग की बात सबसे एंड में करूंगा और आपको बताऊंगा कि यार इसका क्या रिव्यू है, थोड़ा सा मैंने यूज किया है, इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बताने वाला हूँ, और अपने डेस्क के ऊपर लाइव आपको यूज करके बताऊंगा और बताऊंगा कि कब इस प्रोडक्ट को आपको लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली ये इसका बॉक्स है जहाँ पे लिखा हुआ है 3-in-1 वैक्यूम क्लीनर पोर्ट बाय मिनी होम एंड कार। ये कार के लिए भी आप यूज कर सकते हो और आपके डेस्क के लिए ये बेस्ट है। और साथ में इसका लेफ्ट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे ये इसके मॉड्यूल्स के बारे में बताया हुआ है। ये मैंने मॉड्यूल्स इसके लाइव ला के रखे हुए हैं और ये देखिए, ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपको दिखता है। और ये चार्जेबल प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखो एक टाइप सी का पोर्ट आपको दिया हुआ है, उसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे इसको चार्जिंग में लगते हैं और उसके बाद ये आपको आधे घंटे तक के लिए अच्छी सी क्लीनिंग फैसिलिटी देता है। ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है नो चार्ज नो यूज, मतलब इसको चार्ज करते हुए बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। व्हेन चार्जिंग प्लीज टर्न ऑफ द स्विच ड्यूरिंग ऑपरेशन, डू नॉट ओवर डिस्चार्ज द बैटरी। अब इस बारे में बात करूं, यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है मेड इन चाइना, तो ध्यान से लेना। और नीचे बात करूं तो कुछ नहीं है, प्राइसिंग इस पे बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई। यहाँ पे भी ये भी लिखा हुआ है कि इसको इसमें हमें केबल मिलती है, तो हमें टाइप सी केबल देखने को मिलती है। तो अब मैं डब्बे को करता हूँ साइड में और आता हूँ इसके मॉड्यूल्स के ऊपर। अगर आप इसका मॉड्यूल देखोगे तो ये मेन यूनिट है जो कि अभी चार्ज है, और अगर आप इसको देखेंगे तो इट्स लाइक अ गन। अब इसको सेटअप कैसे करना है सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसके साथ मिलता क्या क्या है। ये इसके साथ एक और मॉड्यूल मिलता है जिसके अंदर जाके गंद फंसेगा। ये एक फिल्टर है जो कि आप इसके अंदर ही यूज करते हैं, और इसको एक्सटेंड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप को गंद को एक्सटेंड करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा यूनिक काम है, मैं आपको इसका काम दिखाऊंगा। ये वैक्यूम के लिए यूज नहीं होता, ये एज अ ब्लोअर यूज होता है। तो सबसे पहले हम इसको सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले इसका फिल्टर जो है इस बास्केट के अंदर हमें लगाना होगा, और ये बहुत इजीली लग जाता है। तो देखो आप, ये ऐसे कुछ ऐसे लग जाएगा, ये टोटली फिट हो जाएगा इसमें ऐसे, और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। अब आप देखो इस गन, जो वैक्यूम की जो गन है, इसके यहाँ पे 2 मार्क है और इसके यहाँ पे भी 2 मार्क है, तो इनको यहां से मिला देना है आपको और ऐसे ये लॉक हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपका ऐसा वैक्यूम अभी यूज हो सकता है, बट अगर यहाँ पे कुछ गंद है तो मैं डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर पाऊंगा, वो कि ज्यादा मुझे यूजफुल नहीं रहेगा। तो इसके लिए इसका ये मॉड्यूल है जिसको हम सिर्फ आगे ऐसे करके लगा देते हैं, और इसको लगाने के बाद अगर इसको आपने और एक्सटेंड करना है तो आप इसको भी यहाँ पे ऊपर लगा सकते हैं कुछ ऐसे करके। अब बात आती है कि ये तो ऐसे लग गया, अभी हमने इसकी टेस्टिंग नहीं करी है, तो इसको कहाँ लगाना है। तो बेसिकली ये पीछे लगता है। अब कुछ गंद ऐसे होते हैं जो सिर्फ वैक्यूम से साफ नहीं होते, वो ब्लोअर से साफ हो जाते हैं। तो आप जैसे यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा गंद है, इसको हम जल्दी से वैक्यूम करके देखते हैं कि हमारा कितना वैक्यूम हो रहा है। ये देखिए मैंने उल्टा लगा दिया, तो इसको और टेस्ट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा इन ड्राई के दानों, धनिया के दानों से गंदा कर देते हैं और देखते हैं कि ये क्या है, इसको क्लीन कर पाता है। तो आपके सामने लाइव एग्जांपल है। तो
मुझे लगता है कि इसका जो ये वाला मॉड्यूल है हम निकालते हैं 2 मिनट के लिए और इसको विदाउट मॉड्यूल हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है? भाई अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं इसका ये मॉड्यूल हटाता हूँ और ये भी इसका मॉड्यूल निकालता हूँ, आपको दिख रहा होगा कि गंद कहाँ पे फंसा है, ये इसकी बास्केट में जाके फंसा है। अब मैं इसको थोड़ा सा ये निकालता हूँ, इसका फिल्टर निकालते हैं और फिल्टर में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा गंद भर गया है अंदर। तो ये देखो फिल्टर में बहुत सारा गंद भरा है और अगर आप ये देखोगे, ये दिख रहा है, ये देखो अगर आप इसके बीच बास्केट में देखोगे बहुत सारा गंद फंसा हुआ है यहाँ पे, तो ये एक लाइव प्रूफ है कि ये बहुत अच्छे से उसको साफ कर देता है और ट्रस्ट मी ये प्रोडक्ट वर्थ है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये हमें मिला है 700 रुपीज़ का, 649 का विदाउट कैशबैक, और 10% कैशबैक लगाएंगे तो 600 रुपीज़ में ही आपको टोटल प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर इसकी बैक की बात करूँ तो ये क्या चीज़ है, ये ब्लोअर है। तो बेसिकली अगर मैं आपको इसके ब्लोअर का काम दिखाऊँ तो यहाँ से वैक्यूम करता है और यहाँ से ये लगाने पर ब्लो करता है। और आपने देखा है कि मेरे को 15 मिनट से चलाते चलाते हो गए हैं फिर भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार ये मैंने क्यों मंगाया। आप देखो कि मेरा ये कीबोर्ड है और इसके यहाँ पे बहुत ज्यादा गंद जो है ना बहुत ज्यादा फंस जाता था। इस चीज को साफ करने के लिए मेरे को कोई चारा नहीं था, मैं गीला कपड़ा मंगा नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक वैक्यूम क्लीनर मंगाऊं। और जब मैंने इसको यूज किया तो सच में अब आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा क्लीन है पहले से। तो इन चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए अगर आप डेस्क सेटअप एक मेंटेन करते हो तो आई थिंक दिस इज अ मैंडेटरी प्रोडक्ट फॉर यू, और आपके कार में भी बहुत अच्छे से काम करेगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी चाहिए हो तो मैं अमेजोन का लिंक छोड़ दूंगा अपने शो नोट्स में, यहाँ पे आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय, टेक केयर।